हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैं आपसे तीन क्वेश्चन जो है सो मैं पूछूंगा और इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए दोस्तों। और ये रहा दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि आकाश में कितने तारे हैं, और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों तो कि धरती का केंद्र कहाँ है, और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कि संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष है दोस्तों। ये क्वेश्चन सुन के दोस्तों आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य लगा होगा दोस्तों कि ये कैसे क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है दोस्तों कि आकाश में कितने तारे हैं, ये कौन बता सकता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों आप महाराज अकबर के बारे में और बीरबल के बारे में जो है सो अवश्य जानते होंगे दोस्तों। आज जो है सो मतलब मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों कि एक मंत्री जो है सो बीरबल से यही क्वेश्चन जो है सो पूछ दिया था बीरबल को जो है सो नीचे दिखाने के लिए, और बीरबल कैसा जवाब दिया था दोस्तों मैं आप लोगों को आज एक स्टोरी सुनाता हूं दोस्तों कि देखिए यही क्वेश्चन जब बीरबल से पूछा गया था तो बीरबल किस प्रकार जो है सो उत्तर दिया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा इस कहानी को आप सही से पढ़िएगा, नहीं तो दोस्तों आप केवल मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा ना तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों। ये तीन प्रश्न का जवाब आपको बहुत अच्छा से जो है सो मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग इस कहानी को जो है सो सही से पढ़िए, और ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कहानी में आपको तीन प्रश्न का जवाब जो है सो प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि महाराज अकबर और बीरबल के बारे में आप लोग भली भांति जो है सो जानते होंगे और उसका बहुत सारा स्टोरी आप लोग क्या किए होंगे तो सुने होंगे। महाराज अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। अकबर जो है सो बीरबल के बहुत ज्यादा जो है सो पसंद करते थे, इसीलिए जो है सो उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, वे मंत्री ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे तीन सवालों का उत्तर सही सही दे देता है तो मैं उसकी हीनता को स्वीकार कर लूँगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। देखिए वो किस प्रकार जो है सो मंत्री कहा कि अगर मेरे तीन प्रश्न का जवाब अगर बीरबल दे देते हैं तो वो बुद्धिमता है, नहीं तो मैं समझ लूँगा कि यह महाराज का क्या है, चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसीलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ले। तो आप लोग देखिए कि उस मंत्री के तीन सवाल क्या थे। तो उस मंत्री के तीन सवाल थे, पहला सवाल कि आकाश में कितने तारे हैं, दूसरा कि धरती का केंद्र कहां है, और तीसरा आपको सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था इसका, तीन सवाल और बहुत कठिनाइयां सवाल। अगर ये क्वेश्चन अगर आप किसी से अगर पूछोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये कैसा क्वेश्चन है। तो देखिए अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। देखिए अकबर ने तुरंत ही कहा बीरबल से। बीरबल ने कहा तो सुनिए महाराज, पहला क्वेश्चन का जो है सो जवाब सुनिए आप। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर है ना आकाश में उतने ही तारे हैं, मेरे दोस्त गिनकर तसल्ली कर लो। बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। आप सोच सकते हो कितना बुद्धिमान है बीरबल। भेड़ ला के रख दिया और बोला कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल है ना उतने ही जो है सो आकाश में तारे हैं, आप गिन लो। मंत्री की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला और महाराज से कहा कि दूसरा सवाल का जवाब सुनिए। बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया, और फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया। और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज इस जगह धरती का केंद्र है, आप देख सकते हो कि इसी जगह धरती का क्या है, केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच ले। महाराज बोले ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। तो तीसरे सवाल का जवाब किस प्रकार बीरबल देते हैं तो आप देखिए। तो देखिए आप बीरबल क्या कहा। तो बीरबल कहा, अब महाराज तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसा है जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और नहीं तो पुरुष की श्रेणी में आते हैं, जो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, और ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं ना स्त्री है और न ही पुरुष है, उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित है, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज यदि आप इनको मौत के घाट
पार्ट उतरवा दे तो मैं स्त्री पुरुष का सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर थर काँपने लगा और महाराज से बोला, महाराज बस बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया, मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरह पीठ पीछे करके हंसने लगा। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि बीरबल कितना चतुराई से जो है सो ये तीनों प्रश्न का जवाब दिया, जो उस मंत्री को जो है सो क्या कर दिया, कन्फ्यूज कर दिया। इसीलिए कहा जाता था बीरबल बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे दोस्तों, बहुत ही बुद्धिमान थे। तो आई होप आप लोग को ये छोटा सा कहानी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और ये तीन प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। तो यही था छोटा स्टोरी। आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, इस चैनल का फैमिली अवश्य बन जाएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।